हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर टेस्टी लच्छेदार प्याज का पराठा। ये बनाने में बहुत ही आसान है, टेस्ट तो इसका लाजवाब है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्याज का लच्छा पराठा बनाने के लिए हम 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, 1 कप मैदा लेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इन सबको हाथों की मदद से अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें पानी डाल के हम इसका एक नरम डो बना लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसका डो टाइट नहीं बनाना है हमको, क्योंकि ये स्टफ्ड पराठा है, इसके लिए इसका डो हम नरम ही लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको ये आटा लगाना है। जब भी आप कोई स्टफ्ड पराठा बनाए उसका डो सॉफ्ट ही लगाए दोस्तों, क्योंकि अगर इसका डो कड़ा होगा तो हमारा जो पराठा है ना, स्टफ करते टाइम में फटने लगेगा। तो यहाँ पे मेरा आटा लग गया है, अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें पहले से ही काट के रखी हैं। 2 मीडियम साइज का प्याज काटा है मैंने, ये प्याज ऐसे लंबाई में कट किया है। इसके साथ मैंने 2 हरी मिर्च बारीक काट के लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया। प्याज को हम हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ मिला देंगे ऐसे, इससे हमारा जो प्याज है ना उसके लच्छे भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम ये लच्छेदार पराठा बना रहे हैं, लच्छेदार प्याज का पराठा। और ध्यान रहे, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, आप चाट मसाला की जगह दोस्तों अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमने इसमें नमक अभी तक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने से हमारा जो प्याज है ना वो नरम हो जाएगा। नमक हमें लास्ट में डालना है। अभी आप देख सकते हैं ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे लच्छेदार प्याज के पराठे की स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम अपना पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे एक बार वापस से गूंथ लेंगे। तो हम इसकी मीडियम साइज की लोई बनाएंगे। ये हमको ऐसे 2 लोई बनानी है। अब हम इसे रोल कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा पतला रोल नहीं करना है। तो हमारी एक रोटी जो है वो रोल हो गई है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। ऐसे ही हम अपनी दूसरी रोटी को बेल लेंगे। आप देख सकते हैं ये आराम से बेल रही है। अब हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे ब्रश की सहायता से। तेल हमें एक ही रोटी पे लगाना है, दोनों पे नहीं लगाना है। अब जो हमने अपना मसाला तैयार किया है वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है।
अब हम इसके किनारों पर पानी लगा देंगे। हमने जो ये दूसरा पराठा बनाया था इसको हम इसके ऊपर ऐसे ढक देंगे और हाथों से इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। आप चाहो तो इसे फोक से भी कर सकते हो, इसे ये खुलेगा नहीं। ये हमारा पराठा तैयार है। हमारा तवा गरम हो चुका है, इसके ऊपर हम तेल डालेंगे थोड़ा सा। और अभी ये हमारा पराठा डालेंगे और इसको दोस्तों स्लो टू मीडियम गैस पे सेकना है, हमको तेज आंच पे नहीं सेकना है। आप देख सकते हैं हमारा पराठा दोनों तरफ से पूरी अच्छी तरह से सिक गया है, एकदम क्रिस्प हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं दोस्तों, कितना क्रिस्प हुआ है ये पराठा हमारा। बहुत गर्म है। अब हम इसको इसके आपको लच्छे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का दिखेगा पराठा। आ गया ना मुंह में पानी। इस पराठे को आप ऐसे ही खा सकते हैं दोस्तों, यह पराठा ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको चटनी या सब्जी के साथ खाना है तो आप इसे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सुपर टेस्टी प्याज और हरी मिर्च का लच्छेदार पराठा तैयार है। तो आप इस सुपर टेस्टी पराठे की रेसिपी को ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।